नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे वृहद स्तर के डिपार्टमेंट में, जहां पर निगम होने के बावजूद लगातार वह फायदे में बना हुआ है, और उसका एक बड़ा कारण है कर्मचारियों की लगन, उनकी मेहनत, उनकी दृढ़ता, उनके निश्चय। आज कुछ ऐसी ही परिभाषा देखने को मिली उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक कर्मचारी संगठन के नेता को, जब नेता से बात की गई, हमारे नया लुक संवाददाता ने उनसे बात की, तो काफ़ी कुछ जानकारियां जानने को भी मिली। हम बताते चलें, चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर लगातार प्राइवेट वाहनों के स्वामियों का कब्जा जमा रहता है, जो लगातार पुलिसीय सहायता, पुलिसिंग सहायता जो उनको मिलती रहती है, प्रशासनिक सहायता जिन पर उनका सिक्का जमा हुआ है, और उस सिक्के जमा होने के कारण जो लगातार चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ियों को खड़ा करके सवारियों को बैठाने का दौर चल पड़ा है, आज उनसे तंग आकर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी ने अपने कर्मचारियों को लेकर के ही उनको जब्त करने की ठान ली। हम आपको कर्मचारी संगठन के नेता प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी से भी बात कराएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 10 से 12 की संख्या में प्राइवेट बसें खड़ी थी। जब प्रदेश महामंत्री अपनी टीम के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ वहां पर वाहनों को जब्त करने के लिए पहुंचे, डग्गा मार वाहनों पर नकेल कसने के लिए पहुंचे, तो वहां पर लगभग 7 से 8 की संख्या में बसें भाग निकली। 2 बसें उनकी गिरफ्त में आई, जिसे उन्होंने चारबाग बस स्टैंड पर खड़ा करा लिया। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये 2 बसें प्राइवेट, जिनका इंश्योरेंस भी समाप्त हो चुका है 25 दिसंबर को ही, बावजूद इसके यह डग्गामार बसें सड़कों पर किस तरीके से और किनके रहनुमाई में फर्राटा भर रही हैं, यह भगवान भरोसे है। और इस तरीके से जो 25 दिसंबर को, चूँकि इनका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यह भी परिवहन विभाग की दयाशीलता या फिर उनकी शालीनता को दर्शाता है कि किस तरीके से उनकी छत्र छाया में इस तरह के डग्गा मार वाहन पल पोस रहे हैं। चलिए, हम आपको सीधे ले चलते हैं कर्मचारी संगठन के नेता प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी के पास। आइए, उनसे हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की, ले चलते हैं सीधे आपको वहीं पर। आपने प्राइवेट बसों को आज जब्त कराया है चारबाग रेलवे स्टेशन से, तो अधिकारियों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? किसी प्रकार का अधिकारियों के द्वारा आपको सहयोग दिया जा रहा है, या फिर आप अपने कर्मचारियों के बलबूते पर ही ऐसा काम कर पा रहे हैं? नहीं, ये बार बार शिकायत की गई थी, पूर्व में भी मैंने ये हटवाया था, और आरएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आरटीओ बुला के सीज कराइए, लेकिन वो गाड़ियाँ अक्सर भाग जाती है। तो आज हम अपने कर्मचारियों के साथ जा करके आज हमने देखा तो ये 7-8 गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें बाकी तो भाग गई, 2 गाड़ी हम लोग पकड़ के बस स्टेशन चारबाग के लाके खड़ी थी। अच्छा, तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप, चूंकि आप अभी लगभग 2 गाड़ियों को पकड़कर चारबाग बस स्टैंड पर खड़ी करा चुके हैं, तो कार्रवाई कैसी चाहते हैं, अधिकारियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? आज की कार्रवाई में सीधी सी बात है, ये अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, इनका कोई परमिट नहीं है, ये सवारियां बैठा रहे थे, तो इनको जो है सीज कराया जाना चाहिए। और ऐसी ही कार्रवाई, क्योंकि मैं संगठन से भी हूँ और इस समय कर्मचारी संगठन से मोर्चा भी बन गया है, तो हम ये अगर इन पर विधिवत कार्रवाई नहीं की जाती है, तो डंगा मार के इस तरीके का कार्यक्रम कर्मचारियों के द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, क्योंकि इससे कम से कम हमारा पर डे प्रतिदिन 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जसवंत जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा लास्ट में, क्या आपको किसी प्रकार का पुलिस प्रशासनिक सहयोग मिल पाया, जैसे आप वहां पर गए सिर्फ कर्मचारियों के साथ में ही वाहनों को जब्त कर लिए, या फिर पुलिस का कुछ आपको सहयोग मिला? चूंकि आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस वाले पैसा लेकर के यहां से वाहन को सवारियां भरवाते हैं, भरवा करके अन्य अन्य मार्गों पर भेजते हैं, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर तरह मार्गों पर भेज देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन में कोई सहयोग आपको रहा गाड़ी जब्त करते समय? देखिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग तो नहीं होता है, और ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की, परिवहन विभाग की, कि वो डंगा मार वाहनों को चलने ना दे। ये जब उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, रोज 10-12 गाड़ियां, 15 गाड़ियां सवेरे
जब वो बॉम्बे की ट्रेन आती है उसी के लिए लगी रहती है और प्रतिदिन लगती है। ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बसपा की गवर्नमेंट थी और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब परिवहन मंत्री थी, उन्होंने एक आर्डर करा कि डंगा मार अगर किसी भी थाने के सामने से गुजर जाएगी तो थाना सस्पेंड हो जाएगा। मैं मांग करूंगा हमारे एफडी साहब से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी कि ऐसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कर्मचारी जो 55,000 यहाँ चल रहा है, कम आय आने पे उनका वेतन रुक रहा है, वो कार्रवाइयाँ रुके और ये परिवहन निगम की आय और कर्मचारी जो यात्रियों को ये लूट फसूट करते हैं। अभी जैसे एक गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, ये खड़ी है सफ़ेद वाली, इस गाड़ी का 25 दिसंबर को इंश्योरेंस खत्म है। हम यात्री को इंश्योरेंस देते हैं, ये तो अपनी बस का भी इंश्योरेंस नहीं लेकर के चलते हैं, तो ये यात्रियों को भी जो है जान खतरे में डाल रहे हैं। इनके विरुद्ध तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि इनके ऊपर फौजदारी का भी मुकदमा लगता है। चलिए, नया लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जी ने किस तरीके से बताया कि किस तरीके से डग्गामार वाहन काबिज होते जा रहे हैं और लगातार जो परिवहन निगम के चालक परिचालक जिस तरीके से अपना खून पसीना एक करके परिवहन निगम को लाभ में लाने का काम करते हैं, वहीं उनके अधिकारी किस तरीके से उनकी कमाई पर, उनकी मेहनत पर पानी फेरते नजर आते हैं। चूँकि यह वाहन चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर से 2 की संख्या में जब्त भी किए गए हैं और लगभग 8 से 10 की संख्या में भाग निकले हैं, तो यह एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर क्या कर रहा था जो कर्मचारी संगठनों को मजबूर होना पड़ा वाहनों को जब्त करने के लिए। हम लगातार इस तरह की खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए नया लुक के साथ और देखते रहिए नया लुक। नमस्कार।